मैं गंगोत्री पहुंच गई हूँ। प्लान था सुबह सुबह 5 बजे निकल जाने का, बट हम कुछ उठे ही 5:30 बजे, मतलब हमने अलार्म लगाया था देन वी स्लेप्ट अभी। तो लेट्स गेट रेडी एंड देन वी विल टॉक। ओके एवरीबॉडी, सो आई एम ऑल रेडी एंड तैयार हो गई हूँ निकलने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई मीन गंगा मैया आपने फाइनली बुला ही लिया, मतलब जब तक दर्शन नहीं होता तब तक अभी भी वो दुख 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 हो रहा है, क्योंकि ओह वाह यहाँ से ऐसे ना। ओके तो यहाँ पे आज, क्योंकि गंगोत्री के कपाट ओपन हो रहे हैं, आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन ही ओपन हो रहे हैं, तो बहुत ऐसे बाजे गाजे के साथ सुबह से ऐसे कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही है, लोकल्स भी जाते हैं लेके। तो या देयर सो मच हैपनिंग, वी आर ऑलरेडी, बस अभी फटाफट से निकलते हैं। अब ये देखना है जाके कि हमें बस मिलेगी या फिर हम ऐसे जो ट्रैकर जिससे हम कल आए थे वो हमें शेयरिंग वाली मिलेगी। ये हम बस नीचे उतर के हमारे इस साइड राइट साइड में हमें ट्रैकर मिल जाएगी, इस तरफ लेफ्ट साइड में हमें बस मिल जाएगी, तो विल सी क्या लेते हैं। बाकी लेट्स गो फटाफट से जागृति, चलो। गंगोत्री के लिए दो चार सीट की, भैया पीछे ना से वॉमिटिंग सा होता है। 300 रुपये किराया। 300? तो उसमें सामने ही बैठेंगे, इसके बाद जो लगेगी आप, हम लोग यही आ रहे हैं सामान लेके आ रही, तो बस वगैरह का ऑप्शन नहीं है कोई? बस नहीं, बस नहीं, बस तो सोचो कि 1-2 महीने तक जाता भीड़ है, सभी यात्री चलेंगे होगी जी। मामला तो सुन लिया आपने क्या है, बहुत दिक्कत है गाइस, बहुत दिक्कत है, मतलब पीछे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है पीछे। सीन ये हो रहा है कि वही अगेन कल वाली चीज़ फिर से दोहराई जा रही है, गाड़ियों का वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है कि कैसे करें। अरे भैया झाड़ू लगा रहे हैं यहीं पे, गाड़ी ऑलरेडी भर चुकी है, मतलब एक दो लोग बाकी हैं, देखते हैं दूसरी गाड़ी लगेगी। इसके बाद ये निकलेगी, इसके बाद दूसरी गाड़ी लगेगी, उसमें हमने बोला हमें आगे बिठाना। यहाँ से गंगोत्री तक का जो किराया है वो है 300 रुपये, मात्र 300 रुपये, और लगेंगे 3 घंटे। तो बस ये है, अभी सीन ये है कि एक गाड़ी में 10 लोग जाते हैं, तो हम लोग तब से ऐसे ना कैलकुलेट कर रहे हैं, अरे कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। या कैसा लग रहा है, फाइनली गाड़ी में बैठ गए हम, अब निकल रहे हैं, पहुंच जाएंगे 3 घंटे। यस, अब कब चल पड़े बस, अब ये भैया आप तो चल लो। गंगा भैया की जय। देवता जा रहा है ना नीचे से, डोली नहीं होती एक, हाँ, तो अब वो जा रहा है फिर मंदिर शुरू। गंगा माँ तो आगे पहुँच गई, गंगा माँ तो आप पहुँच गए होगी तुम्हारे भैरव घाटी से आगे। अच्छा, 11 बजे का टाइम है पर वहाँ पे ना, 11 बजे मंदिर खुलने का टाइम है। डर गया वो, हमने रुका भाई, रुका रुका, कहाँ से चलाएगा, जाम फंस फंस जाएगा आगे, चल पड़ी वो। इससे पहले जो हमें जाम मिला था हम उसे कह रहे थे अरे ये तो थोड़ा सा है, चल दे, चल 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 पड़े हम, अभी आगे इतना लंबा जाम लगा हुआ है गाइस, यहाँ से लेके इट्स लाइक वहाँ तक। लेट्स सी, पहले मैं पानी का बॉटल ले आती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो हमने पराठा ऑर्डर किया पीस व्यू के साथ, अच्छा दिख रहा है। मैं तो बस
गाइस तो हो गया हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट और अब थोड़ा सा रोड भी जो है वो थोड़ा क्लियर ऐसा लग रहा है कि आगे गाड़ी जा रही है। भैया कितना हो गया हमारा? हाँ हाँ भैया आ रहे हैं हम। अगेन गाइज हमारी गाड़ी जो है यहाँ पर फिर से रुक गई है, तो हमारी क्या मतलब बहुत सारी ऐसे गाड़ियाँ रुक गई है क्योंकि सीएम आते हैं और फिर मंदिर का जो पट खुलते हैं तो सीएम आते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए करके आगे जो है रास्ता थोड़ा सा रोक रखा है। और ये ना बिल्कुल ऐसी वाली फील आ रही है, उत्तराखंड के किन्नौर आ गए हम, ऐसी फील आ रही है। आई एम नॉट लाइक कंपेयरिंग, आई डोंट वॉन्ट टू, ओह माई गॉड। पहाड़ों को देख के ना मैं बहुत ऐसे गदगद हो जाती हूँ। क्या भागी है गाड़ियाँ। हम उतर गए हैं गंगोत्री के मंदिर के 500 मीटर पहले, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो देयर इज अ बैरियर, तो यहाँ से आगे गाड़ी जाने दे रहे थे, सो दैट्स व्हाई वी स्टॉप्ड हियर। और अब यहाँ से चल के सामान लेके हमें जाना पड़ेगा, देखते हैं सॉर्ट करते हैं क्या करते हैं। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। हाँ ये बैग का क्या है? चलो तो अभी हमें यहाँ पे रखने के लिए जो है परमिशन दे दी गई है पुलिस अंकल ने, बहुत ही स्वीट है वो। तो हम अपने बैग यहाँ रख देते क्योंकि हमें ना यहाँ पे दर्शन करके हम हर्षिल चले जाए सोच रहे हैं। हर्षिल में आराम से फिर हम कोई स्टे ढूंढ के वहीं पर रुकेंगे। ये हमने सामान और हम अब जा रहे हैं मंदिर तक, यहाँ से 500 मीटर्स है तो बस अब जाएंगे, देखते हैं। भीड़ तो होगी, डेफिनेटली होगी क्योंकि इतने लोग दिख रहे, इतनी गाड़ियाँ दिख रही है। ओह गॉड, फर्स्ट डे है तो डेफिनेटली बनती है अभी रोज, उससे उसके बाद तो उससे ज़्यादा होने वाली है क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग, कितना बोल रही थी तुम? 3 लाख? नहीं वो भैया बता रहे थे ना हमें, हाँ कुछ तो नंबर बता रहे थे लाइक कि फर्स्ट 2 डेज फिर भी कम होगी, कम होते हैं हाँ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत और लाखों में आते हैं यार। मतलब चार धाम के लिए लाखों में रोज लोग आते हैं रोज, तो आप इमेजिन करो लाइक आज तो फिर भी एज कम्पेयर टू दैट बहुत ही शांति भी है, मतलब इतना भसड़ नहीं लग रही है। अभी जाके पढ़ अभी अंदर जाके मंदिर के पास तो होगी, डेफिनेटली होगी, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। दर्शन नहीं किया हमने अभी, प्रसाद पहले खा रहे हैं। बड़े बड़े बुरे लोग हैं हम। प्रसाद तो अच्छा ही होता है वैसे, भंडारे का खाना इतना सही होता है ना लिटरली, मतलब कुछ भी करो भंडारे के खाने का कोई ऐसा वो नहीं है। जय गंगा भैया। चावल है और कई आलू की सब्जी है। सो एवरीबॉडी अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हमने भंडारे का प्रसाद ले लिया है। हम थोड़े ऐसे उल्टे लोग हैं, डोंट काउंट अस ऑन दैट कि हमने पहले पेट पूजा कर ली बाद में काम दूजा, ऐसा वाला हाल हो गया है। बट कोई नहीं, चलो बच्चे लोगों को माफ़ कर देते भगवान जी, कोई बात नहीं। हाँ इसने सुबह बोला था ना ये, बस वही। उत्तराखंडी होने की प्रिविलेज है बहुत, और मेरे को इसके साथ आने की प्रिविलेज है।
सुंदर मंदिर। आज पहला दिन है, मंदिर पूरा सजा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसे ना, मतलब ऐसी किसी भी आप से होली प्लेस में आओ ना, तो ऐसे क्या होता है ना कि इसे अंदर तक ना ऐसे आत्मा को शांति से मिल जाती, चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, तो वाइब ऑफ द प्लेस इज एवरीथिंग। लाइक वो आपको फील हो जाता है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक इट फील्स फ्रॉम विद इन। और वही फील हो रहा है, लाइक देयर इज लॉन्ग क्यू क्योंकि उसमें लगना पड़ेगा दर्शन के लिए। वो तो डेफिनेटली हम करेंगे, आए तो दर्शन तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, और एक आपको मैं फैक्ट बताती हूँ, तो वो हमें हमारे ड्राइवर भैया ने ही बताया कि गंगा का जो ओरिजिन है दैट इज़ गौमुख, जो यहाँ से ट्रैक होता है, मतलब गौमुख ट्रैक होता है वहाँ। ये जो टेम्पल है इसको कहा जाता है गंगा जी का मायका, ये मायका। यहाँ 6 महीने रहते हैं, और जब ये मंदिर बंद होता है 6 महीनों के लिए, तब जाते हैं वो अपने ससुराल। उनका ससुराल जो है वो एक विलेज है यहाँ से, उसका नाम मैं यहाँ पर डाल दूंगी, मैं भूल गई, थोड़ा सा अलग नाम था, मैं भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। और आज का पाठ खुले, अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत ही शुभ अवसर है, और मैं गंगोत्री पहुँच गई हूँ। आई मीन सीरियसली यार, बाय द वे चलो दर्शन करते हैं। दर्शन हो गए और अभी हम गंगा माँ के पास आए हैं यहाँ पर। ओ गॉड, इतना अच्छा फील हो रहा है ना, लाइक कंपैरेटिवली, लाइक जब हम पहले आए थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट उसके बाद थोड़ी सी भीड़ कम हो गई, तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे शांति से, उसके बाद यहाँ पर लंगर हो रहा है, तो हम कुछ प्रसाद ले लेंगे, देन वी लीव फॉर हर शिव। हर हर गंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर गंगा मैया के पास बैठ के एकदम शांति से। लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली चार धाम करने आते एक डुबकी तो बनती है, तो अब हम जाएंगे क्योंकि हमें हर्षल की तरफ निकलना है। पर ये वाला ब्लॉग अभी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। ब्लॉग वॉज ऑल अबाउट देहरादून टू गंगोत्री, और दर्शन भी कर लिए, सब बहुत अच्छा फुलफिल हो गया है, सब कुछ एकदम ऐसे सफल हो गया है आधा। तो हाँ जी, अब लंगर का प्रसाद लेंगे एंड देन विल हेड टुवर्ड्स हर्षिल, वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन आपको पता है आपको क्या करना है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।